हेलो यार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वैसे पे। आज हम रिपेयर करेंगे मंत्रा का डिवाइस को, इसे ओपन कैसे की जाती है। मान लो इसका वायर कट गया हो या फिर काम करने में इसे काटा हो क्योंकि काम करना बंद कर दिया था, तो इसको हम रिपेयर किस प्रकार से करेंगे। मंत्रा के डिवाइस किस बारे में मोरपो ऊपर बनाया था, मोरपो डिवाइस को आप कैसे रिपेयर कर सकते हो अगर तार वायर का प्रॉब्लम आ गया। तो मंत्रा डिवाइस यहाँ देखोगे आपको यहाँ पे साइड में ये ऐसा मैंने टेप उखाड़ रखा है ऑलरेडी, ये टेप यहाँ पे ये चिपका है। पहले आप उखाड़ रहे हैं, यहाँ पे आपको दो नट मिले, एक नट यहाँ एक यहाँ फिर एक यहाँ एक। आप इस नट को इजिली आप स्क्रू ड्राइवर से जो भी आप होते हैं उन्हें ये नट को निकाल लेना है। मतलब कि ये नट इस प्रकार एक छोटे एक बड़े के साइज में आपको नट मिल जाएंगे, ये छोटे छोटे जो है इसे स्क्रू को निकाल लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और आपको लगा रहेगा स्टिकर, इसे भी आपको ऑनली या फिर किसी भी चीज़ से हटाओगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा आपको स्क्रू मिल जाएगा जो मैंने ऑलरेडी यहाँ निकाल चुका है इतना बड़ा। इसी दोनों को आपको यहाँ से इजिली यहाँ से मतलब कि इसे निकाल लेना एंड आपका जो डिवाइस है वो खुलने को तैयार हो गया। नॉर्मली व्हाइट वाले जो ब्लैक वाले दोनों को अलग अलग फोल्ड करके हम ऐसे अगर सामने से करेंगे तो ये हमारा ऐसे करके निकल जाएगा। अंदर में देखेंगे तो आपको बस इतना सा ही मशीन मिलता है और बाकी खाली सा हिस्सा है। पता नहीं मंत्रा डिवाइस वाले क्यों इतना बड़ा सा साइज रखा, मोरपो वाले छोटे से रखे, मशीन भी छोटा सा लगा हुआ है, तो शायद इसको छोटा करना था। आपकी क्या राय, मुझे कमेंट करके अपनी राय बताएं। चलिए हम यहाँ से फटाक से यहाँ देखते हैं, हमारा वाइट रखा यहाँ पे लगा हुआ। सिंपली आप इसे आराम से इसे खींच के निकाल दें, यहाँ से ये रिमूवल है, आराम से ये अलग अलग दोनों पार्ट हो जाएगा। अब देखो ये ख़राब नहीं होता है, पहला चीज़ जब भी खराबी होगा आपका यहाँ से वायर से लेके यहाँ तक, वायर से लेके आपका जो भी टोटल वायर है ये वायर के अंदर खराबी आता है, ये मशीन जल्दी ख़राब नहीं होती है क्योंकि इसमें हाई लो वोल्टेज नहीं। बाकी यहाँ चिप वगैरह सब लगा हुआ है और यहाँ पे इसका इंसर्ट पॉइंट लगा, तो इसे हम आपको ये दूर हटा देते हैं, सामने भी हम लेते हैं इसको काम में। अब देखिए इसको तो काम पर रखते हैं, मेन चीज़ ये होगी जो मान लीजिए मैंने काटा या कट गया, चूहा काट दिया, कुछ भी दिक्कत आती है तो, या फिर आप इसे जो ये रोटेट होता है ना यहाँ से लेफ्ट राइट ईटीसी अप डाउन, तो यहाँ तार में कोई एक तार कट जाती है अंदर से, तभी जाके ये इशू होता है। और आपको जब डिवाइस लगाते हो तो कहीं पकड़ता है कभी नहीं पकड़ता, हिल जाता तो हट जाता है, इसकी दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, मुझे दिक्कत आ रही थी फिंगर चेक करने में। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से इसको देख सकते हैं, यहाँ से इसे काट के अलग कर लेना डायरेक्टली, आपको यहाँ से ये तार को भी आपको अलग करना। मैंने मोटर बता दें तार को आप बाय सोल्डिंग के द्वारा सोल्ड कर सकते हो या फिर हाथ से भी जोड़ सकते हो, तार काफ़ी अच्छा ऐसा क्वालिटी की होती है ये तार, तो आप नॉर्मली हाथ से भी इसे करके सोल्ड करके आपको जो ब्लैक में ब्लैक एंड यहाँ पे आपको स्पेशली जितने भी आप करते हो वायर का वर्क उसमें चार तार दिखेंगे, इसमें आपको पांच तार दिखेंगे, दो ब्लैक दिखेंगे, तो दो अलग अलग ब्लैक है, लेकिन ये मत समझना कि अलग अलग तार है, दोनों ब्लैक सेम टू सेम एक अर्थ के लिए होता है बाकी एक सामने काम के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको चार ही तार है, दो ब्लैक को एक में लेंगे, रेड व्हाइट ग्रीन एंड जो जो चार जिस जिस कलर के आपको उसमें मिक्स करके आप इसे सोल्ड करके या फिर जिसके थ्रू आप इसे नॉर्मली आप इसे ऐड कर लेना है, तो फटाफट इसे सोल्ड कर लेते हैं काट कर। तो यहाँ से ये निकलने का कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो हमें यहाँ से काटना होगा, तो हम इसे चाकू के सहारे यहाँ से इसको पूरी तरह से यहाँ से कट कर देंगे, कट करने इसे ऐसे अलग करके हटा देंगे एंड इसे अंदर प्रेस कर देंगे तो ये अंदर चला जाएगा और मेरा यहाँ से यहाँ से अलग हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये देखो हमने काट के अलग कर दिया, निकाल दिया, अब यहाँ पे एक स्टील का इसे पूरा खींचोगे ऐसे ये बाहर हो जाएगा इस प्रकार से। अब हमें काम इसका करना, इसे काम करने पहले ध्यान रहे इसे साफ कर लें एंड इनका जितने भी वायर है उसे अलग अलग करके आप है ना इसे अलग करके हम काट के जो पांच वायर इसे निकाल लें। और आपका जो सेकेंडरी जो यूएसबी केबल या फिर ओटीजी केबल जो वायर निकला इसे नॉर्मली आप इसे ऐसे अंदर डालें, ख्याल रखें डालने के बाद आपको इसे करके एक यहाँ पे आपको ज्वाइंट मारना इस प्रकार से कि इन फ्यूचर आप अगर निकालते हो या कुछ करते हो तो आपका पूरा पूरा वायर अंदर से ना इस पर इम्पैक्ट पड़ जाए। देखो ये ऐसे एक यहाँ पे गोल राउंड करके ऐसे मार देना है एंड इसको ऐसे ऐसे करने क्या होगा, हम ऐसे अगर करेंगे देखो हमारे यहाँ पर लॉक हो जाता है, ये लॉक आप अपने हिसाब से इसे इजीली रहेगा, यूज़ करने भी आसान रहेगा, आप इसे लॉक कर दोगे एंड ये आपका सपोर्टिंग रहता है कि आप ठेलोगे तो यहाँ से ऐसे लगा रहेगा तार तो आगे ज़्यादा अंदर जाएगा ना, फटाफट से साफ़ करके हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हमारा सोल्डिंग आयरन भी यहाँ पे हीट हो रहा है एंड ये दोनों वायर हमने सामने कर, देखो आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो भी हो जाएगा, अगर नहीं है तो आसपास किसी से वो सोल्ड करवा लो, अगर तब भी नहीं तो आप तार को छोटे बड़े हिस्से में जैसे कि वाइट को अगर इस वाले को अगर लेफ्ट वाले को छोटे काटे तो राइट वाले को बड़े काटे क्योंकि एक ही जगह सारे ज्वाइंट ना पड़ जाए, अगर आप लाल वाले को लेफ्ट कुछ बड़े काटे तो राइट वाले को छोटे काट लेंगे क्योंकि अलग अलग ज्वाइंट जो होते हैं अलग अलग जगह पड़ जाए, तो ये ज्वाइंट अलग अलग करने के लिए आप अलग अलग कर सकते हैं एंड सबको सोल्डिंग कर जाए, सोल्डिंग नहीं कोई दिक्कत है, एक एक करके सबको हाथ से मिला मिला के काट कर जोड़ के उसे अलग अलग टैप करके सबको एक बार में टैप करके वो भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की तार होती है तो इसमें कोई दिक्कत बाद में आपको नहीं आएगा, नॉर्मल सोल्ड कर दो ज़्यादा अच्छा मतलब ज़्यादा टिकाऊ हो जाता है वो सोल्ड करने के बाद, तो हम फटाफट इसे सोल्ड कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे स्टेप बाय स्टेप ब्लैक में ब्लैक एंड व्हाइट में व्हाइट ग्रीन में ग्रीन एंड रेड में रेड सारे को जोड़ लिए हैं, ठीक है यहाँ पे आप बस ये जो तार है टेप माने इसे इसे मिला दें, नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब इसे एक बार टेस्ट कर ले कि आपके ये सेलफोन में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, सिंपली आपको ये दिया हुआ है जो ये इसे अपने आप पे अटैच कर देंगे जो अंदर पिन के टाइप को बैठा हुआ जो है मेन मशीन से हमने
सेट कर दिया, और आपका जो हब है उसे हब से हम इसे ट्राई करते हैं काम, आपका चाहे ओटीजी हब हो या यूएसबी हब, जो भी हब उसे आप चेक कर लें। तो हमारे पास हमारा सेल फोन भी है एंड हब भी है, तो हम दोनों को लगा के यहाँ पे टेस्ट ऐड करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए हमें यहाँ लगाना पड़ता है ये, एंड पॉपअप आता है तो यहाँ हमारा पॉपअप आ चुका है। तो हम यहाँ पे टेस्ट पे चेक कर रहे हैं, हमारा वायर भी उसी प्रकार से लगा हुआ जिस प्रकार से यहाँ देख सकते ज्वाइंट है, एंड हमारा टेस्ट पे जो देखते हैं हमारे ये डिवाइस भी ओपन कर रखे हैं और इजीली ये वर्क कर रहा है, मतलब सब कुछ सही से यहाँ पे काम कर ले रहा है, और हमारा फिंगर भी यहाँ पे सक्सेसफुली कैप्चर ले लिया गया है। तो हमारा यहाँ टेस्ट सब कुछ सही रहा हमारा, यहाँ पर हमें सेट करना है उसी प्रकार से कि तार आपका एक अंदर से आना चाहिए और आपका जो स्टील है स्टील में। तो चलिए फटाफट सेटअप करते हैं। सेटअप करने के लिए आपको मैंने बताया था कि ये जो वायर है यहाँ पे बना हुआ इसी से ऐसे फंसाना है इस प्रकार से आप ऐसे, एंड फंसाने के बाद इसको ऐसे ऑप्शन आएगा निकलने के लिए और आपको इस प्रकार से इंसर्ट करना है अंदर की ओर। तो हम नॉर्मली से टेप वगैरह मार देते हैं एंड इसे करते हैं फिक्स। तो यहाँ पे टेप वगैरह मार के हमने इसे कर दिया है फिक्स, एंड आप इसे नॉर्मली जैसे आपको सहूलत बुझाता आप इसे कर लें। करने के बाद आप चलते हैं हम इसे अटैच करने के लिए, जो सिंपल सा स्टेप्स है करने के लिए वो सारा चीज़ को जैसे अटैच करने का, यहाँ पे ऐसे फंसा कर आप नॉर्मली इसे अटैच करके इसे फिक्स कर। तो हमने यहाँ पर सैम्पली इसे अभी तक जो भी नॉर्मली होता है उसे फिक्स करके, अब चलिए इसमें चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये वर्क कर रहा है या फिर वर्क नहीं कर रहा। तो हमारे सामने फिंगरप्रिंट डिवाइस है, फिर से हम इसे अटैच करते हैं साथ, पॉप आता है कि नहीं। तो सक्सेसफुली हमारा पॉपअप भी शो कर गया और हम इसे टेस्ट पेज के देखते लाइट भी जलता है कि, तो हमारा लाइट जल रहा है वर्क ये सारा चीज़ कर रहा, फिंगर टेस्ट वगैरह करके भी आप चेक कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे ये हो गया फिक्स। अभी से जो भी स्क्रू है जैसे आपने ओपन किया था नॉर्मली से कर सकते, आपको ये थोड़ा सा अप डाउन करें, आप क्या करो यहाँ पर हल्का टेप मार कर इसे फिक्स कर लो कि ज़्यादा हिले डुले ना, वैसे हिलता है नहीं, कोई दिक्कत होने वाला। तो ये है टोटल स्टेप, अगर आपका मंत्रा डिवाइस वायर खराब रहता है अंदर चेंज करना है तो इसे खोलने का स्टेप इस प्रकार से है। बाकी आप इसे नॉर्मल रिपेयर कर सकते, कोई ज़्यादा हासा नहीं, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं, आप डिवाइस खराब हो जाएगा, डिवाइस का वायर खराब होता है, डिवाइस अंदर का जो सर्किट है वो बहुत कम ना के बराबर खराब होता है। तो टोटल वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो में तो बने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर, वीडियो को कोई सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट कर बताएं आपकी क्या राय है मंत्रा मॉर्फो डिवाइस में। देखो मंत्रा मॉर्फो में बता दो मंत्रा लाख गुना मॉर्फो से बढ़िया है, क्यों? तो इसकी कैप्चर करने की क्षमता मॉर्फो ज़्यादा बेहतर है, इसमें कम पे जो लोगों फिंगर मॉर्फो नहीं आ रहा है मंत्रा में, मेरा पर्सनली व्यू है मंत्रा में जो मॉर्फो फिंगर जिसका नहीं ले रहा है मंत्रा भी इजिली ले लेता है, एंड मंत्रा सस्ता पड़ता है 118 रुपया आर डी पड़ता है एक साल का। तो हमें सर्च करो मंत्रा करने के लिए, चैनल पर नए और चैनल वीडियो पाने चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ऑल पे कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक्निकल और सिम साइनिंग आउट, देखो मगर प्यार से।